किरदार ही ऐसा था कि साहिब तमसील अच्छा ना लगा हमको कहानी में भी रहना, हम डील नहीं मांगते कहना, ये बज़ाहिर मसरूफ वो पैगाम रसानी में भी रहना। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लेकिन नहीं संभलती मईशत कभी कभी ना। भैया बताना है जरूरी कथी बुला रहे मासूर चौधरी। सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो आप हीरो लग रहे हैं सर। थैंक यू सर। लेकिन आप ज्यादा हीरो लग रहे हैं। आपने भी आज कमाल का ये कुर्ता पहना हुआ है। लेकिन उसी जो कुछ मर्जी पा लिए। हाँ क्या बात है, कपड़े कोट अच्छा पाया, शर्ट भी तोरा बोरा दी नर्स लग रहे हैं। चेहरे ही ऐसे होंगे ना, पुराने भी कपड़े पालन तो इन्होंने सोने लग गए। क्या बात है, पुराने छोटे भी पालन तो जचते। और देखो चेहरे की गल, कुछ नवे भी पालन तो बेड़ा गर्क होया हूं। मुबारक नहीं दी किस बात की? सर फांसी हो गई थी, उन्होंने पूछा आखिरी ख्वाहिश बताओ, तो कहने लगा पिशावर मेट्रो में सफर करना है। आगे से जाति भी बड़ा चला, कहना क्यामत तक जिंदा रहना चाहते हैं। ठाकुर साहब का मैं हस्पताल पता लैन गया, मैं यार घंटा पहले तो मैं तेन एक कुड़ी ना रेस्टोरेंट च वेख्या, हस्पताल कि आया, कहता तू कल ने नहीं वेख्या, कुड़ी के अबू ने भी वेख्या। मोटरसाइकिल से जान दिया, कोई सिपाही ने रोकया, कहता रोक तेरी तो लाइट ही नहीं आया, कहता पर हो जाए ब्रेक भी नहीं आया। ठाकर साहब यादगार जाग रक्षे वाले नूं कहिंदे यादगार जाना किन्ने पैसे, कहिंदा जी 200 रुपया दे देना विच पवो। विच बैठे ने तो कहिंदे जी उतरो यादगार आ गया, तो उन्हें 200 दे कहिंदे जरा आस्था चलाया करो। बगैर टिकट सफर करते हुए ट्रेन में पकड़े गए मोहतरम। अच्छा, फिर उन्हें कहा आपके पास टिकट नहीं है, तो कहने लगा मुल्क हमारा, ट्रेनें हमारी, हम जो मर्जी करें। उन्हें कहा आ जाओ फिर, जेलें भी आपकी है। ले फिर पॉइंट। अच्छा ऐसी बात, अपने आज के पहले मेहमान को बुला लेते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर फैसलाबाद से मियाँ ताहिर जमील। साथ देने के लिए कराची से आई हमारी मेहमान, जिन्होंने बचपन से ही वाकई में एक्टिंग शुरू कर दी थी, मोहतरमा अरीशा रजी। एक कॉल मैं ले लूं जरा। ये मुझे पता था सर आएगी कॉल। जी अल्लाह खैर। हाँ हाँ नहीं आए हुए हैं। कौन? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं क्या है सर? अल्लाह खैर। कौन है, क्या फोन से? नैब के चेयरमैन का फोन है, मैंने उन्हें कहा है कि मियाँ साहब ने तौबा कर ली हुई है। जमील साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको उम्रे की। अगर अपनी हुकूमत इस कारण से की सी। अच्छा उमरा करके एमपीए लग ही नहीं रहे, सस्ते इलाके से कुआल लग रहे ने जी। कितने झूठे थे हम मोहब्बत में। अच्छा। कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा है, हार और जीत में नहीं कोई फर्क, रोज अव्वल से ना दहिंदा। हर गल पुछ बेली खुश होके, बस एक उजड़न दी गल बात ना पुछ। हर गल पुछ बेली खुश होके, बस एक उजड़न दी गल बात ना पुछ, छोटा बार वड्डा अंदर किदों होई आखरी मुलाकात ना पुछ। ठाकर आप सियाणा है, उन्हां दा चेहरा पढ़ हालात ना पुछ।
तेरा हिब्बा के लिए शेर है कि ये तो बता तेरा कौन सा ठिकाना है जो आया है उसने एक दिन वापिस जाना है। सुना है तेरी मुस्कुराहट पे हर कोई मरता है हिब्बा, टाइम निकाल कर घर आ मैंने चूहा मरवाना है। ये साहब क्या हालचाल है जी? अल्लाह का शुक्र है सर, आपको तो वजन ही बड़ा कम हो गया, क्या डाइट की आपने कोई? नहीं सर नहीं, असल में ऐसा है कि उम्रे के फरीजे के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पर तवाफ करना है, सफा मरवा जाना है, ज्यारतों पे जाना है, तो वहाँ पे वॉक तो करनी पड़ती है। सर इतनी वॉक माशाल्लाह, ये तो एक रिमार्केबल वेट लॉस है। नहीं नहीं सर, मेरा एक किलो वजन जो है वो बड़ा है। एक किलो बड़ा है तो एक किलो की आपके रसीदे हैं? जी बिल्कुल है। जो आप नैपालों को दिखा सके, आप अपने पिछले प्रोग्राम की रसीदें निकालेंगे तो वहां से वेट निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक किलो नहीं, मगर हमें ट्रेल चाहिए पूरी। एक किलो कहां कहां से आपने खा के बढ़ाया है ये देखें, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने अल्लाह के घर से खा के बढ़ाया है। अच्छा बात सुने, देखे होना नून लीग में और बढ़ाने वजन, ये गलत बात है। ये मैं बता चलू, ये ताहिर साहब के साथ हम बड़ा अक्सर इस तरह की शरारतें करते रहते हैं और वो बेचारे भाई हैं कि वो हमारी सुन भी लेते हैं इस तरह। और अब तो खैर उन्होंने माशाल्लाह एक मुबारक उनकी है कि वो उमरा करके आए हैं और साथ ही साथ इतना जबरदस्त उन्होंने चेंज भी दिया है, टोटल लुक ही चेंज कर लिया। आप फिक्र ना करें, अगले 5 साल आपके पास नहीं आने वाले नैपाल। इंशाल्लाह 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 बोल रहे हैं आपके साथ। जी तो अरीशा क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। बेटे कब से एक्टिंग कर रही हैं आप? हाउ ओल्ड वर यू जब मेरे पास पास आया था? मेरे पास पास में आई वाज 3-4 साल की थी। 4 साल की थी आप? तो आपकी एज अभी कितनी है? 19 19 साल की। एक साल बड़े ने मेरे को माशाल्लाह। माशाल्लाह 16 साल आपको एक्टिंग करते हुए हो ही गए तकरीबन। हाँ जी माशाल्लाह 15-16 साल, तो कैसा लगता है इतना एक्सपीरियंस है आपके पास? अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी भी बड़ों से सीखती हूँ अपने सीनियर। वो तो खैर चलता ही रहेगा, मगर वैसे आप सेट पे काफियों से एक्सपीरियंस के मामले में सीनियर हो जाती होंगी, क्योंकि अब तो लोग 3-3, 4-4 साल के बाद बहुत से लोगों में नजर आ रहे हैं जिनका टोटल एक्सपीरियंस ये है। और तुहानू ड्रामे की पेमेंट नहीं मिलती होगी, लॉलीपॉप मिलते होंगे। स्क्रिप्ट भी अपने बस्ते च रखा होगा माशाल्लाह। लॉलीपॉप भी देते वो भी बड़ी बात है। अच्छा क्यों नहीं? ते काम सही करो तो पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। नहीं मगर वैसे क्या आप स्कूल बैग साथ लेके जाती हो? जाती थी कम से कम। जाती थी, इवन अभी भी मैं अपनी बुक्स वगैरह साथ लेके जाती हूँ जब मौका मिलता है, मुझे पढ़ती हूँ मैं सर। अच्छा और आप अभी भी तालीम हासिल कर रही हैं? हाँ जी मैं ए लेवल्स कर रही हूँ। ए लेवल्स कर रहे हो माशाल्लाह, तो वैसे ये खत्म ही कर लो एक बार ए लेवल्स और पढ़ाई वगैरह मुकम्मल करके फिर दोबारा एक्टिंग, आपने तो कब से कर रही हो? हाँ जी अभी ए लेवल्स मेरा चल रहा है, इसके बाद फिर शायद मैं 1 साल का गैप लूँ क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी करनी होगी तो उसके लिए फिर मुझे टाइम चाहिए। आप ए लेवल कर रही है, मैं लो लेवल कर रहा हूँ। अंकल से मुलाकात हुई? नहीं जी फर्स्ट टाइम हुई। फर्स्ट टाइम हुई, आपको पता है अंकल पॉलिटिशियन है। हाँ जी। पॉलिटिशियन से कभी मुलाकात हुई है? हुई है, एक उनका नाम है शर्मिला फारूकी। शर्मिला फारूकी साहब, खैर वो तो खातून हो गई। हाँ मर्द पॉलिटिशियन से आप पहली बार मिल रही हैं? हाँ जी। क्या इमेज था आपके जहन में? साथ कोई गार्ड शार्ट्स होंगे। गार्ड शार्ट्स होंगे, तो इनके गार्ड्स किधर गए? और नैब दे डर लोग होए हुए ने, मगर नहीं बताए, तो इनके तो कोई गार्ड्स नहीं है। नहीं तो अच्छी बात है, है ना, कोई ना इनकी को बड़ी बड़ी मूछें आपको नजर आई, है ना, ना वो जो एक इमेज होता है जेन के अंदर के एक टेररिजिंग से वो देखें इतने बिल्कुल ही वो इमेज जो मेरे माइंड में था वो बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल तोड़ दिया इन्होंने सारा का सारा इमेज, बहुत सिंपल और बहुत डिसेंट। वो देखें मियां साहब कामयाब हो गए, आपका गेटअप जो है वो कह रही है, बच्ची कह रही है लग नहीं रहे आप एमपीए। नहीं अच्छी बात, हम सब जैसे ही लग रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं, सब जैसे लग रहे हैं बाप। पहले हम सब जैसे लग रहे हैं, बच्ची ने कहा, मतलब कोई कोई साथ में कोई सोर्स और कोई गार्ड और वो सब गार्ड कुछ नहीं है ना, मतलब नॉर्मल नॉर्मल इंसान, नॉर्मल इंसान देखें आप लग रहे हैं। ये होती है तब्दीली। देखें तब्दीली के जो नारे लगाए गए थे, अब तब्दीली तब्दीली की बार बार बात हो रही है, तो तब्दीली में तो ये कहा गया था कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। हाँ। तब्दीली में ये कहा गया था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। तब्दीली में ये कहा गया था कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तब्दीली में ये कहा गया कि हम आवाम के जो मसाइल हैं उनको हर सूरत पहली प्रायोरिटी पे उनको हल करेंगे, लेकिन कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया गया। अब आप कौम को बताएं कि कौन सी तब्दीली थी
जिसकी जो राग लापे जा रहे थे, हर बंदा ये कह रहा था कि जी नया पाकिस्तान बनेगा। क्या ये नया पाकिस्तान बनना था जो अब आपके सामने पूरे पाकिस्तान का बिड़ा गरक हुआ पड़ा है, महंगाई आसमानों से बात कर रहे हैं? वो कहते हैं कि पिछले वालों ने किया, हम तो उसको भुगत रहे हैं। मैं तो बनी गल इमरान खान साहब नु जाके कि मैं कहा तुसी नवा रखो, पुराना ही सानू वापस कर दियो। मैं कैसर पिया की बात से इत्तेफाक करूंगा। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो अब तो लोग हाथ जोड़ना शुरू हो गए हैं कि खुदा का नाम है, हमें पुराना पाकिस्तान ही वापस कर दें। अब तो देखें कि रेड़ी छापड़ी वाला जो है वो बेचारा अपने रोजी से तंग हुआ पड़ा है, दो का खाना उसके लिए बड़ी मुश्किल हुई पड़ी। सर गरीब बंदा अंडर पास से खलो के शहबाज शरीफ को याद कर रहा है। कितने गए चले। हम मीडिया वाले हैं, आप पार्टी वाले हैं, आप बताएं अब वोट, अभी तो आपका वोट अभी बना होगा, आपने की डाला? मैंने वोट दिया था। अरे वाह, ये देखे जबरदस्त बच्ची ने, यानी कि 18 साल में वोट बनते ही दे दिया। तो ये किसको दिया आपने? इमरान खान। इमरान खान साहब को क्यों दिया आपने? क्योंकि मुझे लगता था उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि वो करेंगे कुछ। और आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी हो रही हैं या नहीं, खोल के बताइए आप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब वो जब आए थे तो शुरू शुरू में कुछ लगता था कि शायद चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको अब लग रहा है कि उनके पास चेंज नहीं है? नहीं, जो हमें असल शायद चेंज चाहिए दुनिया को वो नहीं मिल, वो वाली नहीं मिल रही। तो आपके ख्याल में जो पिछले वाले थे वो बेहतर हैं? मैं कह नहीं सकती इस तरह कुछ, लेकिन पता नहीं शायद वो मतलब पिछले वाले वाले ए सी के जो तो कुटन लगे नाल पियाने पे होंदे सी, ये पानी नहीं पिया रहे बस। पिछले नाल पोले भी लाउंदे सी, नाल पानी पिया देंदे सी, ये पोले ला रहे सिर्फ पानी नहीं पिया रहे। नहीं नहीं कैसर भाई, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात की बात है, आप देखें कि जब 2013 में हम मेंबर बने थे तो दहशतगर्दी अरूज पर थी, डॉलर का रेट शेख रशीद साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर डॉलर का रेट जो है वो 100 से नीचे आ जाए। तो गवर्नमेंट 90 पे लेके आई, उसके बाद आप देखें कि डॉलर को मेंटेन रखा, क्योंकि हमारी जो ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम डॉलर की सूरत में बाहर अपनी जो पैसा है वो दे रहे हैं और उससे हमारी इकॉनमी जो है वो कमज़ोर हो रही है। तो मुनाफा जो है वो तो बाहर के लोग, बाहर की कंपनीज लेके जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान की जो अशिया हैं आप देखें कि उनको, मैं अगर अपनी बात करता हूँ या किसी और की, यहाँ पर पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की बात करता हूँ, तो हम पाकिस्तान की अशिया जितनी भी यहाँ पर बनती हैं उनको हम पसंद ही नहीं करते। हम कहते हैं कि हमें जी इम्पोर्टेड चीज़ चाहिए। जब हम इम्पोर्टेड चीज़ हम ख़रीदते हैं तो उसके पैसे जो हैं वो तो किसी और की जेब में जाते हैं, तो मुनाफा वो ले जाते हैं। तो उस वजह से देखें कि हमारी उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, कंट्रोल करके आपको डॉलर का रेट जो था वो 90 पे लेके आए, आपके सामने था कि मुल्क जो था वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। तुसी बिल्कुल तार पे बिल्कुल सही गल कर रहे हैं कि डॉलर वासे भाई वाकई इतना ऊपर जा रहा है, सानू लगता उत्ते जाके खर्चना पैना हूँ। शामिल कर लो और यकीन अपना इसी बात पे कामिल कर लो, इससे पहले के अजियत बने ये लोड शेडिंग, आपके किस्तों पे ही एक UPS हासिल कर लो। कभी महंगाई का सदमा, कभी बिल की टेंशन, झंझटों में ना पड़ो तुम, जरा सा चिल कर लो। मेरे पास नहीं है। You will be a rich very soon, ते नाल थोड़ा थोड़ा मैं भी हो जाऊंगा। मेरा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। So what should I do? You can try from gentleman over here. वो ते शक्लों ही मंगने वाले लग रहे। अबे यार। Welcome back to Muzakarat, Arisha. आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं मियां साहब के बारे में। आपको पता है मियां साहब एक दिन के लिए मिनिस्टर बने थे। अच्छा। हाँ। तो क्या तब्दीली आ गई थी? नहीं, तब्दीली अपनी हुकूमत के अंदर एक दिन के लिए मिनिस्टर बने। अच्छा। नहीं, उसमें ऐसा हुआ था वासे भाई कि मैंने अपने हलके के लिए मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था, मैंने माजरत कर ली थी। क्यों की थी माजरत? वो मेरे हलके के अंदर, क्योंकि आबद शेर अली साहब उस टाइम पे वफाकी मिनिस्टर थे, तो फिर नीचे मैं था और दूसरी तरफ सनाउल्ला था, तो उस वजह से फिर हलके में कोई भी बंदा जो था उसकी हाजिरी नहीं होनी थी। तो आपने हलके के लिए मिनिस्ट्री छोड़ दी? जी बिल्कुल, अपने मैंने अपने लोगों के लिए। तो ये ख्याल राणा सनाउल्ला या आबिद शेरली को क्यों नहीं आया? वहाँ पर जाकर मरकज में आबिद शेरली ने बड़ा काम किया, 13,000 मेगावाट जो। और राणा सनाउल्ला साहब ने,
उसने पता नहीं क्या किया है, वो आपके सामने उसने क्या बात है। देखिए उसका उसका जो क्वेश्चन है वो आपको मुझसे करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना, आपकी पार्टी के, आपके शहर के, उसके पास लॉ मिनिस्ट्री थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरतें आप पंजाब में हमारे दौर में आप देखेंगे बहुत बेहतर रही आपसे। अच्छा नहीं देखिए हमारा उनके साथ जो सियासी इख्तलाफ है वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है और वो अपनी सियासत करते हैं, हम अपनी सियासत करते हैं, उतना उनका अपना सियासत करने का स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल। ये भी ठीक है। ऋषि मुझे बताएं इतनी छोटी उम्र से आप एक्टिंग कर रहे हो तो ये एक्टिंग का शौक आपको किसको देख के हुआ था? मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं वाकई बहुत छोटी थी उस वक्त। कमर्शियल से स्टार्ट किया था मैंने उस वक्त, तो डायरेक्ट ऑडिशंस के थ्रू मुझे बुलाया, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुई, कमर्शियल कर लिया। उस वक्त इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ और ना ही इतना ज़्यादा कुछ पता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब करती रही फिर ड्रामे किए फिर पता चला। ड्रामा था मेरे पास पास, वो बड़ा एक ज़बरदस्त सक्सेसफुल फिनोमिनल ड्रामा था, मोमे राना साहब और नादिया जमील उसमें थी। तो उसके बाद जब स्कूल जाते थे तो बाकी बच्चे क्या कहते थे? पूछते थे बल्कि सबके, उनके साथ काम करके कैसा लगा और ये तो क्या फील करती थी बड़ा केजी ओ फल्ला मैं तो पूरे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा सब वैल्यू दे रहे होते थे ना उस वक्त, बाकी बच्चों को नहीं जाती, मुझे पूछते थे आके, दोस्तियां करते थे के नहीं है तो टीवी में आती है, दोस्ती करनी है। उस दौरान खाना भी नहीं लेके जाते बच्चे ही दे देते थे, नहीं ये ले ले नहीं, मगर वैसे बड़ा एक होता है। मगर द गुड पार्ट इज़ कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाहे जब भी हो कर रहे हो काम शुरू, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी ज़रूर कंप्लीट करनी चाहिए और उसके बाद ये काम तो यहीं का यही है, है ना? सही कह रहा हूँ सर मैं? जी बिल्कुल जी, पढ़ाई जो है वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? मुझे कुछ जी, हम तो अल्लाह बचाली नहीं मैं मुंह में ये पढ़ाई नहीं कर रहा था कि या अल्लाह नैब को बचा ली, मैं कह रहा या अल्लाह जड़े इधर बैठे हैं इन्हें को बचा ली। सर जूते बड़े जबरदस्त आपने पहने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ ये सेंस ऑफ स्टाइल आ गया आपके अंदर। देखें मुझे नहीं पता जी कौन सा ब्रांड है, तो ये है, आपको पता ही नहीं आपने खरीदा? तो ये बेटा लेके आया था तो मैंने पहन ली। अच्छा ये बेटे की चॉइस है? तो बेटे ने कहा इंग्लैंड तो पैसे मंगाया था ना तुसी देते होने। नहीं मगर देख ले जो भी है, मगर बड़ा जबरदस्त है, एलवी का जूता आपने पहना हुआ है, क्यों बताएं आप तो बताएं, आपको तो पता होगा ब्रांड्स का। कितने का होगा ये? ये कितने का होगा? अगर ओरिजिनल है तो फिर तो यही क्लियर करें आज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि है क्या या नहीं ओरिजिनल लेकर आया। आराम से महंगा होगा। कितना होगा जरा बताएं, कैसर साहब को बताएं इसकी कितनी होगी अप्रोक्सीमेट बॉल पार्क फिगर? अप्रोक्स 20 का होगा, 15 to 20,000 डॉलर्स। अच्छा पहले नैब नहीं पीछे लगी अब जूते की। तो जिंदगी में क्या करना चाहती हो आप ऋषा? आप हमारे बच्चों की तरह हो। Dude, doing great, man. You know, I am very happy today. Why? Couple of days ago, you know, there was an Eid al-Fitr. Yes. I work with somebody. Yes, utthe jutiyan di dukaan te main kam kita si. Acha. Utthe bada unhan nu profit hoya. Yes. Today he called me. What did he say? He said ke agar tu jutiyan da kam karein ladies, te mangan di lor hi nahi tainu. Acha. Yes. बड़ा प्रॉफिट है, पट्टा मैं ले ले। अच्छा तो आप क्या चाहिए? बस जुतियां लेनियां ने 300 जोड़े। अच्छा उन्हें कहा 70,000 जे तू मेनू ले दे ओदे चो मैं तेनू 7,000 प्रॉफिट देंगा। ओके ते ओदे चो 3,000 तुहाडा 3,000 तुहाडा ते 1,000 रुपए मेरा। अरे वाह, बस तुसी मेनू 70,000 देना है जुतियां दा काम करना। यस, तेरे सिर च भी मारांगे। तो 70,000 रुपया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰਿਚ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ਯੂ ਕੈਨ ਟ੍ਰਾਈ ਫਰਮ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਅਬੇ ਯਾਰ ਹਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦਾ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 5-5000 ਦੇ ਨੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯੈਸ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਾਇ ਯੈਸ ਗੌਰ ਸੇ ਯੈਸ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ Yes, could you please introduce? Fabulous John Ferry, New York से आए हुए हैं. वहाँ मांगते थे, पाकिस्तान मांग रहे हैं. Yeah, I'm from New York City. You know, my mom, she belonged to Virginia, and my papa from Chichavatani. Oh, votan pao, votan pao. वाह, वाह. Oh, votan pao, kete mian nu khadao, mian de naare bache nahi bache. जे ताडे अर्गे वकील करांगे ते फिर 3000 च भी हो जाएगा असी सारी जिंदगी मियां साहब दे नारे मारने ने भुखे ढिड भी होए ते मारने बाजी होरी केरी पार्टी दे ये तो एक्टर हैं बाउशी नहीं तरीके इंसाफ से हैं तरीके इंसाफ से हाँ उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने उनको वोट दिया तो वोट दिया था वोट तो फिर इस तरह फिर आधा पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उसको फिर उसी पार्टी को आप डिफेंड भी तो करते हैं ना जो मैं ख्याल बदला बदलने चाहिए दो 5000 5000 देने से आप कौम के ख्याल बदल सकते हैं तो 5000 क्या हम जितने हजार कहेंगे देने को तैयार नोट चेक कर लेना जाके तो कौन है ये तो अपना ताज जमीन साहब हुआ हुआ उत्तर असी पुलिस सानू सारा पता होंदा साडे तो चोरी काके यार ओ मैं फेसबुक ते पढ़या फेसबुक ते फेसबुक ते पढ़या खाओ मिठाई मैं खा लूंगा अभी मैंने वाह चला है वंडो सारे दे विच माय डियर फ्रेंड शबाज शरीफ साहब राती मैनू कॉल कीते ने वीडियो कॉल ओए होए मैनू कहंदे ने किथे आंदे हो सोहणे हो मैनू यही गल उहनां दी पसंद है अच्छा जिहड़े कहंदे ने किथे आंदे हो सोहणे हो इही लफाज ते उहनां दे अगे आ रहे ने क्यों कहते ने मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं बाल बाल बचन दी आया प्रैक्टिस
ये बात आप उनके मेंबर को बताएं। माशाल्लाह चाइनीज फिल्म चल रही है। नहीं चैनल में लोग बुलाए नहीं। अरे नहीं यार पहचानो। मैं किधर देख रहा है ना। तो देखो गौर से देखो। ओ ते नहीं है। तो कौन है? ये ते अपना ताज जमीर साहब। हुआ हुआ मेरी लव है ने। अच्छा फैसलाबाद। यस माशाल्लाह जिन्नी देर हुकूमत च रहे ने कख नहीं कीता यार। हर किसे नु नुकसान नहीं पहुंचाया। हां अल्लाह दे हुक्म नाल किसे नु फायदा ही पहुंचाया ना नुकसान नहीं पहुंचाया। हां ते माशाल्लाह साडी बेटी अज बुलाई ने। जी बिल्कुल। यानी एडे वधिया आर्टिस्ट बुलांदे हो ते जश जई नहीं। माशाल्लाह एडी प्यारी रजी। हाँ। मैं उदों दा जानना जदों दी एडिक सी। हां ठीक है। छोटे छोटे ड्रामा खिचाउंदी सी। हाँ। बाबा जी ड्रामा आया सा कमाल ड्रामा सी। अच्छा। सारा मैं वेख्या टोटल एंड तक। ओए होए नहीं समझ आई। यार ओ फिर मैं YouTube ते वेख्या। YouTube ते लेकिन ड्रामा कमाल सी मस्ताना माही। कमाल ड्रामा जी। हाँ। मैं हैरान वो पूरा देखा आपने? मैं सारे देखे जो ड्रामे हुए पिछली हुकूमत मैं सारे देखे। नहीं वैसे भी बेटे देखते रहते नाका लगा हो थाने में हो यूट्यूब इनका हमेशा ऑन रहता है। यूट्यूब तो तुसी मैंने नहीं देखा। मैंने भी आपको देखा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सोचो फिर किन्ने को सोने हो गए। वीआईपी पास पर मियां ताहिर जमील साहब आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं कतरीना कैफ और राणा सनाउल्लाह। कतरीना कैफ थी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी बाजी वो गरीब क्या है? जी आज की अजीबोगरीब खबर ये है कि एक पाकिस्तानी लड़का अबाया पहन के अपने दोस्त का रिश्ता लेने के लिए एक लड़की के घर पहुंच गया। लेकिन जब लड़की की माँ को ये पता चला कि ये एक औरत नहीं बल्कि एक लड़का है जिसने अबाया पहना हुआ है तो उसने शोर मचा के सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और इस बेचारे लड़के की खूब धुलाई हुई। लेकिन इस लड़के ने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर ली। अकरम साहब उन्हें फड़िया नहीं सी जाना अपनी गलती तो फड़िया गया। क्यों? और कुड़ी के प्यो नु कहता भाई नजर सिगड़ते देना। वासे भाई उसने पकड़ा नहीं जाना था उसने साड़ी के नीचे जॉगर पहना हुआ था। हाँ भेणा मैं तो जल्दी च इधर आ गई मैं तो शेव कराना भी भूल गई। यार है तो गल तो नहीं जज्बाती हो गया जो रिश्ता होया खुद कहते तू ताड़ी मेहरबानी कि तुसी मेरी गल मान ली मैं छे भैणा का कला भरा हाँ। खेलते हैं 2020। आपको तो अंदाजा है इसका। रिशा आपसे सवाल पूछूंगा आपको साथ ऑप्शंस दूंगा यू हैव टू पिक देम एज योर आंसर्स ठीक है अकॉर्डिंगली और कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज में से सवाल उठा सकती हैं। ठीक है आप बताइए पहले कौन खेलेगा आप में से? लेडीज फर्स्ट। अच्छा लेडीज फर्स्ट। लेडीज कह रही थी कि अंकल आगे हूँ मगर चले। रिशा ये बताइए वैसे तो आप इनके साथ काम कर ही चुकी होंगी लेकिन दोबारा एक ख्वाहिश आपकी रहेगी कि इनमें से किसके साथ आप एक साल में काम करना चाहेंगे किसके साथ दो साल में और किसी के साथ काम ना भी करें तो ठीक है चलता है। ऑप्शंस आपके पास है दानिश तैमूर एहसन खान और मिकाल जुल्फिकार। तो किसके साथ एक साल में काम करना चाहती हैं? दानिश तैमूर। किसके साथ दो साल में काम करना चाहती हैं? एहसन खान। और किसके साथ ना भी करो चलता है? मिकाल। मिकाल साहब आप हैं वो। ये बताइए कि मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह आप उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीर पर पड़ेगी वॉल साइज वो पिक्चर है पूरी ठीक है? है तो इनमें से किसकी देखना चाहेंगी आप वो तस्वीर? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आमिर लियाकत। आमिर लियाकत डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ठीक है।
ये बताइए इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगी। ठीक है, जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं अहद रजा मीर, हमजा अब्बासी और फवाद खान। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी? फवाद खान। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रही हैं? हमजा अली पासी। और किसका फोन आए तो बंद करके साइड पे रख रही हैं? अहद रजा मीर, ही इज अ नाइस गाय बेटी। मगर फोन तो उनका बंद होगा। ठीक है, अहद रजा मीर साहब आप नाइस गाय हैं लेकिन उन्होंने फोन बंद कर दिया आपका। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को दे सकती हैं, वो दूसरा पास आप इनमें से किसको देके अपने साथ ले जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं महवेश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान। महवेश हयात को आप नहीं लेके जाना चाहती? नहीं। ठीक है, लेकिन माहिरा खान। ठीक है, ये बताइए जहाज में जा रही हैं, लॉन्ग फ्लाइट है 13-14 घंटे की, आपके साथ वाली सीट खाली है, कुछ लोग आते हैं और आके आपसे पूछते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो हम साथ बैठ जाएं, इनमें से किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप 13-14 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान और महवेश हयात। महवेश हयात। फवाद खान को नहीं बिठाएंगे आप? मैं बातें कर लूंगी ना उनसे, लड़कियों की ज्यादा बातें होती है ना, इसलिए मेकअप के बारे में, कपड़ों के बारे में, तो मैं उनसे ज्यादा बात कर सकती हूँ। 6 घंटे गल करके फिर कह रहे थे मेरा मुंह ना खड़ा ही। ये भी है बिल्कुल ठीक, वेरी गुड जी। मियां साहब तैयार हैं? नया नया आपने अभी माशाल्लाह उमरा किया है, आज तो सच ही सच निकलेगा सिर्फ दिल से। होए 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 होए। सर बता दीजिए फिर किसका फोन आए तो फौरन उठा रहे हैं, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं आप? ऑप्शंस हैं आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो किसका आए तो फौरन उठा रहे हैं फोन? आबिद शेर अली। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि मुश्किल वक्त में नून लीग के लिए खड़े हो गए, उनका फोन भी नहीं उठाया जाएगा। शाहिद साहब किस्मत अपनी अपनी है ये। सर बड़ी सी तस्वीर मजबूरी के तहत फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे नजर आपकी उस पर पड़ेगी, किसकी देखना चाहेंगे वो तस्वीर आप? ऑप्शन है आपके पास मुराद सईद और फयाजुल हसन चौहान। अच्छा, मजबूरी के तहत फिर फयाज चौहान की लगा। फयाज चौहान साहब की तस्वीर देखना चाहते हैं रोज सुबह उठते ही। सर चेयर लिफ्ट पे फंस गए हैं, नीचे खाई ऊपर चेयर लिफ्ट पे, मियां ताहिर साहब 7-8 घंटे चेयर लिफ्ट नहीं हिलनी, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे इस चेयर लिफ्ट के ऊपर आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। शीरी मजारी ठीक है। शीरी मजारी ठीक है। टाइटैनिक पे जाने का वक्त, दो वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी को साथ लेके जा सकते हैं। दूसरे वीआईपी पास पर मियां ताहिर जमील साहब आप किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं कतरीना कैफ और राना सनाउल्ला। कतरीना कैफ ठीक। ठीक है सर, बताइए फिर लॉन्ग फ्लाइट, मियां साहब अकेले, साथ वाली सीट खाली, किसको बिठाना चाहेंगे अपने साथ आप? ऑप्शंस हैं आपके पास माहिरा खान और फयाजुल हसन चौहान। 13-14 घंटे के लिए फयाजुल हसन चौहान बर्दाश्त करना चाहेंगे या माहिरा खान की कंपनी इंजॉय? मायरा खान ठीक है। ठीक है सर, डूबती कश्ती, दो लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब हमजा शहबाज। देखिए हमजा शहबाज साहब अभी फाइटिंग पोजीशन में हैं और वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, तो मैं जो लाइफ जैकेट है वो हमजा शहबाज साहब को दूँ। हमजा शहबाज साहब को लाइफ जैकेट मिल गई है, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को लाइफ जैकेट नहीं दी मियां ताहिर जमील साहब ने। उनके तमाम फॉलोअर्स उनकी नोटिफिकेशंस ले रहे होते हैं, वो इस शक्ल को याद रखें। थैंक यू सो मच, और एक बार आपको दोबारा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। ऋषभ थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ। डीजे भाई आ जाए फिर।